दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल ट्रैक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉक्स कलवर की रीइन्फोर्समेंट डिटेल के बारे में। दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, तो उसमें मैंने बताया था कि जब हमारी पीसीसी पे मार्किंग हो जाती है तो उसके बाद रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने का एक बेस्ट तरीका क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें या फिर आप आई बटन पे भी देखेंगे तो आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉक्स कलवर्ट की बॉटम स्लैब की बॉटम मेस के बारे में। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो बॉक्स कलवर्ट की बॉटम मेस है वो प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों यहाँ पे हमने दो तरह की रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड की हैं, एक हमारी मेन बार है और दूसरी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है। दोस्तों अगर आप एक फ्रेशर इंजीनियर हैं तो आपको एक चीज़ अपने दिमाग में फीड कर लेनी होगी कि जो हमारी मेन बार होती है उसको हम अलोंग द लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पान में प्रोवाइड करते हैं और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है उसको हम अलोंग द लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पान में प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों शॉर्टर स्पान और लॉन्गर स्पान क्या होता है, जो हमारे स्ट्रक्चर की लंबाई होती है उसको लॉन्गर स्पान बोलते हैं और जो हमारे स्ट्रक्चर की चौड़ाई होती है उसको शॉर्टर स्पान बोलते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमने नीचे बारें प्रोवाइड की हैं वो हमारी मेन बार है और जो आप ये वाली बार देख रहे हैं ऊपर जो रखी हुई है ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है। दोस्तों बात करें मेन बार की तो वो हमारी 10 mm की है, 10 mm की है और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm की प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे। और दोस्तों मेन बार की हमारा स्पेसिंग है 165 mm और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसकी स्पेसिंग है 95 mm। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि एज अ साइट इंजीनियर आपकी ड्यूटी क्या रह जाती है जब हम राफ्ट की रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है कि जितनी नंबर ऑफ बार ड्राइंग में प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है, मेंशन किया गया है, उतनी नंबर ऑफ बार प्रोवाइड की जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं। और दोस्तों अगली चीज़ आपको देखनी है कि जो हमारी रीइन्फोर्समेंट है उसका कौन सा ग्रेड ड्राइंग में मेंशन है, जैसे FE 500, FE 600, तो जो भी ग्रेड ड्राइंग में दिया गया हो प्रोवाइड करने के लिए वही ग्रेड साइड पे प्रोवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी ग्रेड की स्टील हो वो प्रोवाइड हो, तो आपको ये भी चेक कर लेना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि हम बार को किस तरीके से प्रोवाइड करें कि हमारी जो बार की स्पेसिंग है वो प्रॉपर मिल जाए और काम हमारा फास्ट हो जाए। तो फ्रेंड आपको क्या करना है कि जो मेन बार है उसको जितने नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करने हैं उनको पीसीसी पे रख लेना है, उसको प्लेस्ड कर देना है। उसके बाद आपको 3 डिस्ट्रीब्यूशन बार लेना है और जो हमारे मेन बार की मार्किंग है उस डिस्ट्रीब्यूशन बार पे कर लेना है। उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन बार एक एंड पे रखना है और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बार दूसरे एंड पे रखना है और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको सेंटर में रखना है, बीच में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसी तरीके से किया हुआ है। उसके बाद हमारे जो मेन बार है उसको मार्किंग पे, जो हमारी स्पेसिंग है उसको मार्किंग पे रखते हुए उसको टाई कर देना है। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका जो वर्क है वो बहुत फास्ट हो जाएगा और हमारी जो स्पेसिंग है वो भी बिल्कुल करेक्ट रहेगी, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यही प्रोसीजर फॉलो किया हुआ है। हमने ये जो आप डिस्ट्रीब्यूशन बार देख रहे हैं ये इंड पे लगाया हुआ है, मतलब इसके इधर एक भी डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं। तो हमने जो भी मेन बार प्रोवाइड करना है वो हमने मार्किंग बना ली है, तो उसी मार्किंग पे रख के उसको सिंपली टाई कर देना है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो मेन बार का एंड है उससे 439 mm के डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड किया हुआ है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमारी वाल का पोर्शन है, हमारा वाल जो है यहीं पे आने वाला है, तो वाल का जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है, यहाँ पे हमको डिफरेंट डायमीटर की स्टील बार प्रोवाइड करनी है, वह मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो बॉटम मेस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा दोस्तों।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो मेन बार है वो 10 mm का है और उसकी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो 165 mm प्रोवाइड की गई है। और दोस्तों यहाँ पे ये जो आप खाली स्थान देख रहे हैं ये वाला खाली स्थान, दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड नहीं किया हुआ है क्योंकि दोस्तों ये हमारी वाल का पोर्शन है। और दोस्तों हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है आप देख सकते हैं इसकी स्पेसिंग है 95 mm और दोस्तों ये 8 mm की स्टील बार प्रोवाइड की गई है। और दोस्तों आप ये जो लेंथ देख रहे हैं हमने इस तरीके से बेंड किया हुआ है, दोस्तों ये डेवलपमेंट लेंथ है और इसकी लंबाई है 275 mm क्योंकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बार की डेवलपमेंट लेंथ 275 mm ड्राइंग में प्रोवाइड करने के लिए मेंशन किया गया है। दोस्तों मैं लास्ट में इसका ड्राइंग भी दिखाऊंगा कि ड्राइंग में चीज़ें किस तरीके से मेंशन की गई रहती हैं। दोस्तों बात करें डेवलपमेंट लेंथ की, तो दोस्तों इसको प्रोवाइड करने का रीज़न यही होता है कि जो हमारी स्टील है उसकी कॉन्क्रीट से एक अच्छी अंकरेज मिल सके, एक अच्छी पकड़ बनी रहे। और दोस्तों आप जैसा कि देखेंगे कि हमने मेन बार में भी डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों एंड पे बार को इस तरीके से बेंड किया हुआ है 90 डिग्री पे, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा बेंड पोर्शन है ये वाल में चला जाएगा और जो हमारे नीचे का रेनफोर्समेंट है मेन बार का वो राफ्ट में रह जाएगा। और दोस्तों जैसा कि आप ये कॉर्नर पे बार देख रहे हैं ये 10 mm का रॉड है और हमने दोनों कॉर्नर पे सेम इसी तरीके से प्रोवाइड किया हुआ है। आप इस कॉर्नर पे भी देखेंगे तो आपको ये सरिया देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये इसकी डेवलपमेंट लेंथ है। दोस्तों अभी हमको वाल में और भी रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा, फ़िलहाल मैं आपको इसके ड्राइंग की तरफ ले चलता हूँ। सो दोस्तों हम अपने ड्राइंग के सेशन में आ चुके हैं। दोस्तों ड्राइंग में अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं किसी और वीडियो में ड्राइंग पूरा एक्सप्लेन करूंगा। मैं केवल वही चीज़ें बताऊंगा फ्रेंड जो कि हमने राफ्ट में प्रोवाइड की हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हमारा मेन बार है, आप देख सकते हैं ये वाला जो बार है कुछ इस तरीके से बेंड किया हुआ है, इधर भी और इधर भी ये बेंड है। और फ्रेंड बार की मार्किंग B3 दी हुई है इस तरफ भी और इस तरफ भी। दोस्तों अब मैं बार शेड्यूलिंग की तरफ ले चलता हूं तो हमको इसकी लेंथ पता चलेगी और वहां पे इसकी सारी डिटेलिंग पता चलेगी। सो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा बार है B3 और ये इसकी डेवलपमेंट लेंथ दी हुई है 1225 mm और ये दोनों तरफ है। और फ्रेंड बात करें इसके बीच की लेंथ की तो वो है 4240 mm यानी कि 4240 mm। और दोस्तों यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है और उसको आगे 165 लिखा हुआ है, तो दोस्तों पहला है बार डायमीटर इन mm और दूसरा है स्पेसिंग इन mm या फिर नंबर। तो फ्रेंड हमारा जो बार है B3 उसका डायमीटर 10 mm है और उसकी स्पेसिंग 165 mm है सेंटर टू सेंटर, जो कि हमने राफ्ट पे प्रोवाइड किया हुआ था। दोस्तों अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार की, क्योंकि हमने अपने राफ्ट में डिस्ट्रीब्यूशन बार भी प्रोवाइड कर दिया था। तो फ्रेंड आप देखेंगे यहाँ पे B5 जो हमारा रेनफोर्समेंट डिटेल है, B5 बार की मार्किंग है, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है। आपको ये डॉट डॉट जो दिख रहा है यही डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं इसकी डिटेलिंग किस प्रकार दी हुई है। सो दोस्तों देख सकते हैं ये जो B5 है हमारा बार, उसका डेवलपमेंट लेंथ 275 mm दोनों तरफ है और बीच का लेंथ नहीं दिया हुआ है क्योंकि दोस्तों वो वैरी कर रहा है। और 8 mm डायमीटर अब बार है और 95 mm उसकी स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर। और दोस्तों लास्ट में मैंने आपको दिखाया था हमने दोनों कॉर्नर पे एक एक बार प्रोवाइड किया हुआ था जो कि 10 mm का रॉड था। तो फ्रेंड आप यहां पे देख सकते हैं कॉर्नर पे हमको टोटल 8 बार प्रोवाइड करना था, क्योंकि हमारा अभी टॉप मेस कंप्लीटेड नहीं है दोस्तों, इसलिए हमने एक ही राड प्रोवाइड किया था। जब हमारा टॉप मेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम जैसे कि ड्राइंग में दिया हुआ है इसी प्रकार प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड आप यहाँ पर देखेंगे बार की मार्किंग W5 है, तो मैं इसकी भी डिटेलिंग आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये वही बार है कॉर्नर बार जो कि W5 मार्किंग दी हुई थी। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं 335 mm डेवलपमेंट लेंथ है बार की
और बीच की लेंथ जो है वो वेरी कर रही है, इसलिए वो मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर स्क्यू में है। और दोस्तों बार का डायमीटर है 10 mm, और 16 नंबर टोटल नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करने हैं 16 नंबर, क्योंकि एक कॉर्नर में 8 राड प्रोवाइड करने हैं, तो दोनों कॉर्नर मिला के 16 नंबर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। और दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि अभी हमारे साइट पे जितना भी वर्क होने वाला है, चाहे वो बॉक्स कलवर्ट हो या फिर CUP हो, जो भी वर्क होगा मैं हर एक पार्ट का वीडियो बना के इसी चैनल के माध्यम से लाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।